नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी के साथ बात करने आया हूं सुगर स्टॉक्स के बारे में और याद दिलाना चाहता हूं कि कहीं सुगर स्टॉक्स को भूल तो नहीं गई। ऐसा तो नहीं हुआ कि बीते कुछ समय में सुगर स्टॉक्स में कुछ एक्शन नहीं हुआ है तो शायद आप भूल गए कि भैया ये तो बेकार है। मैं आपको बता दूं, सुगर स्टॉक्स में किसी भी समय कोई बड़ी खबर आ सकती है पॉजिटिव साइड पे और ये स्टॉक रॉकेट हो सकते हैं। आप चीजों को समझिए, सुगर इंडस्ट्री में रिसेंटली क्या क्या हुआ एक बार याद करो। पहला तो ये हुआ है कि एक्सपोर्ट पे हल्के से कर्ब्स खुले हैं। दूसरा, एथेनॉल ब्लेंडिंग को थोड़ा ज्यादा फोकस में दिया गया है और ये जो गवर्नमेंट के टारगेट्स थे उन्हें टारगेट से पहले अचीव करने की बात चली है। अभी रिसेंटली जब मैंने आपके साथ शेयर भी करा था, जब पूरे सुगर स्टॉक्स में तेजी आई थी और सेम डे ही ऊपर से करीब करीब 5-7% नीचे भी हो गए थे स्टॉक, हरे निशान में बंद हुए थे बट टॉप से नीचे आ गए थे। उस दिन भी मैंने आपसे कहा था ये जो आज तेजी है ना, ये एक्चुअली में होनी नहीं चाहिए थी, बस ये अपडेट है। एक्चुअल केस तो मिड सेप्टेम्बर या अक्टूबर लास्ट तक आएगा, तो मिड सेप्टेम्बर तो आके खड़ा हो गया है। अब क्या खबर आने वाली है या कब आएगी वो तो सिर्फ सरकार को पता है, लेकिन आने वाली है इतना हमें पता है। अब क्या होने वाला है वो समझो। दोस्तों, एथेनॉल के जो प्राइजेस है ना, वो अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाए हैं, वो इंक्रीज नहीं करे हैं, वो रिव्यू होंगे और वो बढ़ेंगे। और जैसे ही गवर्नमेंट एथेनॉल के प्राइजेस बढ़ाएगी, पूरे के पूरे शुगर पैक में सस्टेनेबल तेजी आएगी। अभी तक आप देखते हो खबर आती है स्टॉक भागते हैं अगले दिन से नीचे, लेकिन जैसे ही एथेनॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे वो सस्टेनेबल तेजी आएगी, यानी कि स्टॉक्स चलेंगे, टिकेंगे और चलेंगे। तो अब आते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स पे। न्यूज मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूं, पहले ही आ चुकी है न्यूज, अभी फ्रेश तो है नहीं, लेकिन अपडेट याद दिलाना बहुत जरूरी था तो वो मैंने आपको दिला दिया है। एक बार शुगर स्टॉक्स पे नजर डालते हैं। देखो, अगर आप थोड़ा कंफर्ट चाहते हो, रीजनेबल स्टॉक्स ढूंढ रहे हो, आप ढूंढ रहे हो थोड़े अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, तो वो तो मैं आपको बता दूंगा। वो है आपका ईआईडी पैरी जैसे स्टॉक्स हैं, बलरामपुर चीनी जैसे स्टॉक हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा हाई रिस्क हाई ट्रेड कर सकते हो तो फिर वहां पे आपके लिए कुछ और स्टॉक्स आते हैं। एक एक करके स्टॉक्स की बात करते हैं दोस्तों। पहले वैल्यूएशन टर्म्स पे आता हूं मैं। ईआईडी पैरी आपके लिए 16 के पीई पे ट्रेड करती है कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी है। 811 रुपए पे है, मैंने इसको 750 पे 850 से 900 रुपए के लिए डिस्कस किया था। 875 का हाई लग गया है इसमें उसी दिन के बाद जब खबर आई वैसे ही। अभी मेरे को लगता है दोबारा जैसे ही खबर आएगी 900 रुपए की तरफ चला जाएगा। तो पहला स्टॉक ये है बलरामपुर चीनी, ऑलरेडी अच्छा चला हुआ है, 21 के पीई पे है, एफएनओ से बाहर हो रहा है तो मैं पॉजिटिव तो हूं, बट यहां पे थोड़ी डिप और आ जाए ना 520 तक तो मजा आएगा लेने के लिए, अराउंड 580-600 के लिए। सारे स्टॉक्स के लेवल बता रहा हूं, आपकी मर्जी है आप कहां पे नजर बना सकते हो, कहां पे आप होल्ड कर सकते हो, पेशेंस की बात है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज 473 है, इसको मैं ज्यादा कवर नहीं करता हूं, बाकी कंपनी अच्छी है। श्री रेणुका सुगर 46 है, ये 50 रुपए हो जाएगा आपके लिए खबर आती है जहां तक मुझे लगता है। पिकेडली एग्रो, इसमें 5-7% का मूव आता है, 759 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। लेवल से एक बार देखना जो रिसेंट हाईज हैं उससे कितना नीचे है, फिर वहां से लेवल बनाए जाएंगे। बजाज हिंदुस्तान शुगर 38 रुपए का शेयर है, ये खबर के दम पर नहीं है, अगर लेना है तो बहुत छोटे अमाउंट का लो और भूल जाओ, क्योंकि इस कंपनी में क्या होगा, कब होगा, कितना होगा वो किसी को नहीं पता। लॉस कंपनी कंटिन्यू कर रही है, लेकिन ये स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए 7 रुपए पे डिस्कस किया हुआ है, 38 हो चुका है आज ऑलरेडी, 2-3 साल भी हो गए हैं। बन्नारी अमान शुगर 3400 रुपए का शेयर है, ये बहुत अच्छी कंपनी है, 29 के पीई पे, तो कंफर्ट उतना नहीं है लेकिन कंपनी अच्छी है। दालमिया भारत शुगर 13 के पीई पे 461 पे, ये 500 रुपए के लिए मेरे को लगता है आना चाहिए, बट ये क्या है, ये थोड़ा लेट प्ले होता है, ये एकदम नहीं चलता है, थोड़ा देर में चलता है। डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, अवध शुगर की बात करूं दोस्तों, 12.8 के पीई पे 734 पे, 800 से 820 रुपए के लक्ष्य इसमें निकल के आएंगे, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। धामपुर शुगर, अब आते हैं द्वारिकेश शुगर, 71 पे 80-85 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे, पकड़ के बैठे रहना, बस छोड़ना मत, खबर आएगी नीचे आएंगे ऊपर आएंगे, लेकिन एट द एंड आपने पैसा बनाना है ना 6-9 महीने में। तो ये स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ उन्हें आराम से रडार पे रखो, आप खरीद के बैठोगे चुपचाप बैठना, वॉलिटिलिटी आएगी, झेल गए तो पैसा बनाओगे। आगे उत्तम शुगर 340 है, 12 के मल्टीपल्स पे केवल मिलता है, बड़े लेवल्स आ सकते हैं इसमें, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा इतने, 380 400 420 इजीली अचीवेबल लेवल्स हैं, बट एक साथ तो नहीं आएंगे डेफिनेटली, क्योंकि बड़े लेवल्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप फोकस कर सकते हैं। तो सारी शुगर कंपनियां होगी। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा एथेनॉल पे। देखो, एथेनॉल की बात करें तो इनको मेंटेन करने का या मेंटेनेंस करने का या कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात आती है तो आपका प्राज इंडस्ट्रीज आता है, तो प्राज इंडस्ट्रीज को नजर में रखिए।
फिर हम लोग बात करते हैं ग्रेन बेस्ड एथेनॉल वगैरह की, तो फिर वहाँ पे इंडिया ग्लाइकोल्स आ जाता है आपका। सबसे महंगा अगर आप एथेनॉल देखें तो फिर वहाँ पे आपका BCL इंडस्ट्रीज आ जाता है, बट BCL ऑलरेडी इतना भागा हुआ है कि अब वो करेक्शन मोड में चल रहा है। तो अभी करेक्शन कहीं ना कहीं लग तो रहा है, जैसे कंप्लीट हो गया है, 50-55 के करीब सपोर्ट ले लिया है, ऊपर जाने की तैयारी में, बट फिर भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको आप डेफिनेटली रडार पे रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से। तो ये मेरी तरफ से एक बार वापस से रिमाइंडर था बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।